बच्चा क्या हो गया गैलन आप कहाँ से उठा के लाए हैं, मेरे को कहाँ पकड़े हैं? मैं साल का बच्चा है आपका, आपका मैडम 3 साल का है, घर में छोड़ दिया? हाँ। पुलिस कोर्ट नहीं लाई? नहीं। काहे नहीं कोर्ट लाई? सर वही न जानेगा सर क्यों नहीं लाई, घूमने जा रहे थे बकरी लाने के लिए, तो वही पीछे से हम नहीं देखे कि पीछे से पुलिस आ रहा है। हम दान में बकरी, मेरा 15 गो बकरी है, आप देख जा करके देख सकते हैं। हम बकरी का बिजनेस करते हैं, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, हम खाली हम ही रहते हैं, हमारे बकरी का बिजनेस करते हैं। कै गो बच्चा है आपको? एक वो बेटी है मेरी 3 साल की, अभी 4 साल होने वाला है उसको। क्या दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है, शराबबंदी कानून को पूर्ण रूपेण प्रभावी बनाने की जिम्मेवारी भी बिहार के पुलिस वालों के ऊपर दी गई है, लेकिन पुलिस की कुछ कार्यशैलियों के कारण अक्सर पुलिस वालों की भूमिका शराब में संदिग्ध नजर आती है। नालंदा में कुछ इसी तरह का मामला उस वक्त सामने आया जब शराब बरामदगी के मामले में एक महिला अभियुक्त को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया और एक मां को दुधमुहे बेटी से दूर करते हुए पुलिस के द्वारा जेल भेजने की तैयारी कर दी गई और महिला अभियुक्त को रिमांड कराने के लिए नालंदा जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी के समक्ष लाया गया। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए जिस महिला अभियुक्त को शराब के मामले में नालंदा जिले के हिलसा थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष रिमांड कराने के लिए लाई है। बच्चा क्या हो गया गैलन, आप कहाँ से उठा के लाए हैं, मेरे को कहाँ पकड़े हैं, मेरा घर पे क्या मिला है, मेरे साथ क्या मिला है? कितना साल का बच्चा है आपका, आपका मैडम? 3 साल का है, घर में छोड़ दिया? हाँ। पुलिस कोर्ट नहीं लाई? नहीं। काहे नहीं कोर्ट लाई? सर वही न जानेगा सर क्यों नहीं लाई, 5 साल के बच्चा को तो साथ लाना है, माँ के साथ लाना है, काहे नहीं पुलिस लाई है? आपको कहाँ से अरेस्ट किया गया? हम खेत में जा रहे थे बकरी लाने के लिए, तो वही पीछे से हम नहीं देखे कि पीछे से पुलिस आ रहा है। हम दान में बकरी, मेरा 15 गो बकरी है, आप देख जा करके देख सकते हैं। हम बकरी का बिजनेस करते हैं, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, हम खाली हम ही रहते हैं, हमारे बकरी का बिजनेस करते हैं। कै गो बच्चा है आपको? एक वो बेटी है मेरी 3 साल की, अभी 4 साल होने वाला है उसको। क्या नाम है बेटी का? मीठी कुमारी, जैसे राजनंदी कुमारी है, मीठी कुमारी। मेरे साथ कुछ नहीं मिला, मेरे घर पे नहीं मिला, कोई कहाँ से अथी लेके आ गए हैं, दादू कहाँ से उठा के ले आए हो, हमको पकड़ लिए कहाँ से, मेरे घर कुछ नहीं मिला। आपका नाम क्या है? पूजा कुमारी। कहाँ घर है? सुल्तानपुर। आपने शराब बरामदगी के मामले में गिरफ्तार नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर गांव निवासी पूजा कुमारी को सुना। आपको बताते चले कि बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है और उसी शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाने वाली पूजा को पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किया गया और उसे रिमांड कराने के लिए नालंदा जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी के समक्ष लाया गया। जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी ने भी उस महिला के उनके अधिकार से वंचित रखने के मामले में पुलिस वालों को फटकार लगाते हुए उस बच्चे को साथ लाने की बात कहते हुए रिमांड को वापस कर दिया। आपको बताते चले कि पूजा को 3 वर्ष की एक बेटी है और एकमात्र बेटी के साथ वह अपने घर में बकरी का कारोबार करती है, जैसा कि पूजा के अनुसार आपने भी सुना। और पूजा ने भी बताया कि उसी बकरी को लाने के लिए वो खेत की तरफ जा रही थी, उसी दौरान पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया और पुलिस वाले शराब कहां से लाए हैं वो पूजा को नहीं मालूम है, लेकिन जनादेश न्यूज नेटवर्क उस शराब बरामदगी के मामले में कुछ भी कहने से परहेज कर रहा है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जिस प्रकार से पुलिस वालों को प्रशिक्षण के दौरान उनके अधिकार और कर्तव्य का प्रशिक्षण दिया जाता है, उस पुलिस वाले उस अधिकार और कर्तव्य का बेहतर तरीके से निर्वहन नहीं कर पाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र में देखने को मिला,
जहां शराब बरामदगी के मामले में पूजा कुमारी को गिरफ्तार किया जाता है और उनके 3 साल की एकमात्र पुत्री को घर पे ही अकेला छोड़ दिया जाता है, जबकि उस महिला का यह अधिकार है, एक माँ होने के नाते, ममत्व के नाते वो अपनी पुत्री को जेल तक साथ ले जा सकती है, क्योंकि ऐसा भारतीय संविधान के कानून में भी वर्णन है। और उस कानून को नालंदा पुलिस के हिलसा थाना की पुलिस ने ठेंगा दिखाते हुए एक महिला शराब के कारोबारी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के समक्ष रिमांड कराने के लिए पहुंच गए और उस रिमांड को भी नालंदा जिला जज ने तत्काल वापस करते हुए पुलिस वालों को फटकार लगाया। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।